दोस्तों आप लोग बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि एक महीने में ये कितना ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ 5 मिनट मेहनत करके, वो भी बिना फेस दिखाए बिना वॉइस ओवर किए। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग $13,800 से लेकर $2,21,200 तक। अगर दोस्तों $13,000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो बहुत ही बड़ा रकम होता है। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर 5 मिनट मेहनत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं या आप लोग कोई बिजनेसमैन है, कोई काम करते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो आप लोग के लिए जो कॉन्टेंट है बहुत ज़्यादा बेस्ट कॉन्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कॉन्टेंट है। और आज की इस वीडियो में आप लोग को फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आप लोग को इस तरह के कंटेंट पे काम कैसे करना है, आप लोग को वीडियो कहां से लेना है, आप लोग को एडिट कैसे करना है, फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर इसको कट कर देता हूं। कट करने बाद अब मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि आखिर ये कंटेंट है कौन सा। तो यहां अपने मोबाइल के अंदर मैं YouTube को ओपन करता हूं। ओपन करने बाद मैं लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि वो चैनल मोनेटाइज है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैं सर्च करता हूं फैक्ट वाइज अरमान, इतना लिखकर मैंने सर्च कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चैनल आ चुका है जो कि देख सकते हैं सिर्फ महज 97 वीडियो में 1.49 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब दोस्तों आप लोग तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि इनका व्यूज कितना तगड़ा जा रहा होगा। यहाँ पे मैं इनके शॉर्ट वीडियो पे आता हूँ। ये शॉर्ट वीडियो ही क्रिएट करते हैं, लॉन्ग वीडियो क्रिएट नहीं करते हैं। और दोस्तों जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो से अर्निंग अच्छा नहीं होता है, तो दोस्तों शॉर्ट वीडियो से जितना अच्छा अर्निंग होता है उतना लॉन्ग वीडियो से भी नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो व्यूज डाउन रहता है और भाई लॉन्ग वीडियो होता है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में व्यूज हाई होता है और भाई अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। यहाँ पे आप लोग अर्निंग तो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी अभी वीडियो अपलोड किया 557 व्यूज गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए 9,500, 21,000, 28,000, 17,000, 33,000, 125,000, 23,000, 63,000, और जो इनका पॉपुलर व्यूज है मैं पॉपुलर व्यूज दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 27 मिलियन, 16 मिलियन, 5 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन। दोस्तों जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने से क्लेम आता है, चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ज्वाइनिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऑन है, और दोस्तों ज्वाइनिंग का ऑप्शन उन्हीं का ऑन होता है जिनका भाई चैनल मोनेटाइज होता है। तो आप लोग भाई समझ ही गए होंगे कि इनका चैनल मोनेटाइज है। और मैं आप लोग को एक और तरीका ऐसा बताऊंगा कि आपका कोई वीडियो कॉपी भी ना कर पाए, ना ही आपके चैनल पर कोई रियूज कॉन्टेंट आए। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में तो अपना ट्रेंड ला देते हैं और उनको देख कर दूसरे यूट्यूबर मतलब दूसरे लोग काम करने लगते हैं, तो उनके जैसा काम करते हैं, तो दोस्तों उनके कंटेंट पे रियूज कंटेंट आता है। ऐसा नहीं कि जो स्टार्टिंग से ही लाएगा उनके चैनल पे रियूज कंटेंट आएगा। जैसे ये बंदा स्टार्ट किया है, अब इन बंदे पे नहीं आएगा रियूज कंटेंट, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही शुरू से काम कर रहा है। लेकिन अगर इनके जैसा सेम टू सेम आप लोग भी अगर बनाकर क्रिएट करके अपलोड करेंगे तो आपके चैनल पर रियूज कॉन्टेंट आएगा आपके वीडियो में। क्यों? क्योंकि आप लोग सेम कॉन्टेंट बना रहे हैं इसलिए। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को अपना दिमाग लगाकर थोड़ा हटके बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिक की तरह करना पड़ेगा, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तब आपका कंटेंट भाई रियूज कंटेंट नहीं आएगा और आपका चैनल तो मोनेटाइज तो 100% होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज्वाइनिंग का ऑप्शन ऑन है। तो अब दोस्तों इनका एक वीडियो मैं प्ले करके पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो को ही प्ले करता हूँ, जैसे कि मान लेता हूँ मैंने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों चोर चालाकी से पेट्रोल को डब्बे में भरने लगते हैं और तभी ये पेट्रोल कर्मी बोलता है साहब आपका पेट्रोल हो गया। तब ये चोर बोलता है अरे तुम्हारा दिमाग है या नहीं है, मेरे बाइक में पेट्रोल कहाँ। देखिए ये आदमी इस लड़के को अपना पेन देकर बोलता है कि अगर तुमने ये पेन मुझे। अब दोस्तों ये है ना फैक्ट टाइप का वीडियो होता है, लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे लोग है जो भाई अपने तो काम करना चाहते नहीं या दूसरे लोग को काम भी नहीं करने देते, कमेंट में बोलते रहते हैं कि इस तरह का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आखिर मोनेटाइज नहीं होगा तो आखिर कैसे ये चैनल मोनेटाइज है? सेम इसी तरह का चैनल है। ऐसा नहीं है कि इनके वीडियो पे कोई इनका भी मतलब चेहरा दिखाई देगा, देख सकते हैं कोई भी ऐसा नहीं, और सभी का सभी वीडियो ऐसा ही है, देख सकते हैं, देख सकते हैं सभी का सभी ऐसा है। दोस्तों एक काम करने का तरीका होता है, अगर आप लोग अच्छी तरह से काम करते हैं तो आपको भाई YouTube प्रमोट भी करेगा और आपके चैनल को मोनेटाइज भी करेगा और अच्छा खासा पैसा भी अर्निंग होगा। बस तरीका आप लोग को पता होना चाहिए और वही तरीका मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो जो मैं प्ले किया था उसी को मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि कोई भी एक दिखा देता हूँ, जैसे ये है या ये है या ये है, कोई भी इसी को मान लेता हूँ मैंने रोक दिया। अब रोकने के बाद देखिए ऊपर यहाँ पे एक वीडियो लिया गया है। अभी वीडियो आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से करना है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। बस आप लोग देखिए यहाँ पे क्या क्या मटेरियल पहले यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया है इस जूते ने कैसे दुनिया
बदल दी। ठीक है, इस यहाँ पे हेडिंग लिखा गया, मतलब जो वीडियो के अंदर हो रहा है वही हेडिंग लिखा गया है, और नीचे बारीकी से लिखा गया है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ये भी लिखा गया है। अब यहाँ पे किसी किसी वीडियो में आप लोग इमोजी देखेंगे, ये देख सकते हैं इमोजी यहाँ पे आ चुका है, ये भी हो चुका है। अब इसमें वॉइस ओवर किया गया वो भाई AI के थ्रू बुलवाया गया है, लेकिन दोस्तों यहीं पे आप लोग कमी करते हैं। अभी आगे चल के आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग क्या कमी करते हैं। अभी देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पे, तो जो जो मटेरियल यूज किया गया मैं बता दिया। अब आप लोग को बचा है सिर्फ वीडियो डाउनलोड करना, मतलब वीडियो आप लोग को लेना कहाँ से है, तो आप लोग को बैक आना है। जब बैक आएंगे तो मैं तरीका भी बताऊंगा, सर्च वाले क्लिक करना और यहाँ पे विजय कुमार वीनस ब्लॉग इतना लिख देंगे, तब भी एक चैनल आप लोग को ये दिखाई दे देगा। ये उसी टाइप का वीडियो जो कि 1800 वीडियो अपलोड है और 18 मिलियन यहाँ पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनके शॉर्ट वीडियो को आप लोग यूज कर सकते हैं, और इनके शॉर्ट वीडियो में खास बात यह है कि इनके कोई भी वीडियो पे इनका चैनल का नाम या लोगो नहीं है। और दोस्तों आप लोग को वही वाला यहाँ पे ऐड करना है जिसमें लोगो ना हो और ना ही चैनल का नाम हो, इतना आप लोग को बस याद रखना है। जब आप लोग जैसे दिन भर में पूरे दिन में एक दो बार इनके जैसा वीडियो प्ले करके देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग के पास दूसरा वीडियो भी मतलब जाने लगेगा, आपके यूट्यूब पे आने लगेगा, क्योंकि जिस टाइप का आप वीडियो देखते हैं उसी टाइप का वीडियो वहां पे आता है। तो मैं याद मान लेता हूँ आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, देख सकते हैं उसी टाइप का ही वीडियो है, सभी का सभी उसी टाइप का होता है। तो इसको इजी तरीके से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को बैक आना है, बैक आने के बाद आप लोग को अब करना है एडिटिंग। अभी दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि वॉइस ओवर कैसे बनाएंगे, तो अभी मैं आप लोग को वो भी बताने वाला हूँ, बस आप लोग देखते रहे वीडियो को। तो आप लोग को करना है एडिटिंग, तो एडिटिंग करने के लिए मैं दोस्तों काइनमास्टर के अंदर बताने वाला हूँ। अगर कोई अदर ऐप आप लोग यूज करते हैं तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं काइनमास्टर के अंदर इसलिए बताता हूँ क्योंकि 95% लोग इसको यूज करते हैं, और भाई काइनमास्टर बहुत ज़्यादा ईजी ऐप होता है। तो आप लोग को काइनमास्टर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलती कर देते हैं, क्रिएट न्यू से एक वीडियो एडिट कर देंगे और फिर उसके बाद वीडियो जो एडिट किया है उसी को रिन्यू करते जाएंगे। ऐसा गलती कभी मत करिएगा। आपके चैनल पर भाई जो सीरियल नंबर होता है उससे आपके चैनल पर क्लेम आ जाएगा, इसीलिए कभी भी वीडियो एडिट करिए तो न्यू क्रिएट वाला जो क्रिएट न्यू का ऑप्शन देता है उसी से करिए, चाहे कोई भी ऐप हो। दोबारा मत उसको रिन्यू मत करिए, दोबारा से नया से क्रिएट करिए। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को जो सेकंड नंबर पे रेशियो दिखाई दे रहा है 9:16 का शॉर्ट वाला रेशियो, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसका नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मैं आप लोग को यूनिक की तरह बताऊंगा वीडियो एडिटिंग, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को मीडिया के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को मीडिया वाले पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोग जो वीडियो डाउनलोड किए हैं उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने बाद ये लास्ट पॉइंट पे जाएगा, तो एक बार डिस्प्ले पे टच करना और एक बार प्ले कर देना है। प्ले करते ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को मिक्सर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को मिक्सर वाले क्लिक करना और 100 होगा इसको 0 करके इसको ऑन कर देना है, इसका साउंड म्यूट कर देना है। सबसे पहला काम यही है, इसका साउंड म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद फिल्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को फिल्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने से कोई भी एक फिल्टर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपने वीडियो के अनुसार, क्योंकि कोई कोई वीडियो डार्क होता है, कोई कोई वीडियो लाइट वाला होता है, तो आप लोग वीडियो के अनुसार करिएगा। अब इतना करने तो आप लोग को बैक आना है, फिर दोबारा आप लोग को बैक आना है। अब आप लोग को लेयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को लेयर वाले पे क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोग को वही लिखना है जो वीडियो के अंदर होने वाला होता है, जैसे जो वीडियो के अंदर चल रहा होता है वही लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी में लिखना है, इतना आप लोग को याद रहे। हिंदी में लिखेंगे तो भाई हर एक बंदा आपका वीडियो जो है वो प्ले कर देगा पढ़कर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चोर कैसे बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ चोर कैसे बचा, यहाँ पे चोर कैसे बचा, ठीक है, बच्चा यहाँ पे बच्चा मैं लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद आप लोग को इतना कर देना है। अब दोस्तों मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग जो वीडियो के अंदर होगा वही लिखिएगा। अब इतना कर देना, करने के बाद आप लोग को ऊपर कर देना, इस तरह से ऊपर करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को इसको यहाँ पे एक लेयर लाना पड़ेगा, तो लेयर लाने के लिए आप लोग को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आउटलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना और इसको क्लिक कर देना है, और ये आउटलाइन आ गया, इस पर थोड़ा सा इस तरह से कर देना है। करने आप लोग को बैक आना है। अब बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग को इस पर क्लिक करना और इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और कोई भी एक कलर यहाँ पे ऐड कर देना, जैसे मैं रेड कर देता हूँ या तो येलो कर देता हूँ। येलो करने के बाद इस तरह कर देना है। अभी ये डार्क में है तो अभी फिर दोबारा इस पर क्लिक करना और ये 50 होगा, इसको 100 पे करके इसको इस तरह कर देना है। करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, इसको ऑन कर देना है, ये पूरा फुल आउटलाइन पे हो जाएगा, और इसको इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देना है। अगर हाथ से पकड़ नहीं पा रहा है तो आप लोग को बैक आना है, बैक आने के बाद नीचे जाना है,
नीचे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को इस पे क्लिक करना और इससे आप लोग ऊपर कर सकते हैं, देख सकते हैं इससे ऊपर आप लोग कर सकते हैं, इसको इस तरह से एडजस्ट करिएगा। थोड़ा सा आप लोग लंबा हेडिंग लिखिएगा, यहाँ पे चोर कैसे बचा मैंने ऐसे लिखा है, थोड़ा बीच में ला देना है, तो इस तरह से यहाँ पे बीच में भी ला सकते हैं। लाने के बाद आप लोग को बैक आना है, फिर दोबारा बैक आना है, अब फिर दोबारा लेयर पे क्लिक करना और टेक्स्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप लोग को लिखना है कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट तक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तक वीडियो VIDEO वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, यहाँ पे जरूर मैं लिख देता हूँ जरूर देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया देखें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, इस तरह से आप लोग को लिख देना। लिखने के बाद फिर दोबारा उसी तरह से यहाँ पे कलर को दूसरा कर देना, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर रख लेता हूँ या तो रेड कलर कोई भी एक रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक ही रख लेता हूँ, इसको मैं 100 पे कर देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे हो चुका और इसको ऑन कर देता हूँ। अब ऑन करने के बाद क्या करना है, फिर दोबारा इसको पकड़ना और इसको यहाँ से ला देना, इसको पतला ही रहने देना है। अब आप लोग जब ऊपर वाला जो किया है ना, ये चोर कैसे बचा, इस पे क्लिक करना, फॉन्ट पे जाना, थोड़ा मोटा कर देना, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी फॉन्ट यहाँ पे यूज कर देता हूँ, यहाँ पे मोटा हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा हो चुका है। इतना करने इसका जो लेयर आप लोग को इस तरह से बढ़ा देना है, इस तरह से आप लोग को बढ़ाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को लेयर पूरा फुल जितना भी आपका वीडियो है उसको यहाँ पे बढ़ा देना है, जितना भी वीडियो आपका है, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा वीडियो बढ़ा देता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि आपके चैनल पे कोई क्लेम आएगा या स्ट्राइक आएगा, नहीं आएगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आएगा, और उस तरह से भी नहीं आता, लेकिन रियूज कंटेंट आ जाता है जो मैंने अभी आप लोग को स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इसको अभी ले तो इस तरह से बढ़ा देना है, यहाँ पे ये भी मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आप लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद जो वीडियो है ना उसमें क्लिक करना है, कैंची जाना और स्लिप के, यहाँ पे स्लिप का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा स्लिप कर देना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्लिप कर देना, दो तीन जगह आप लोग कट लगाइएगा, ज़्यादा कट मत लगाइएगा, दो तीन जगह आप लोग स्लिप कर दीजिएगा, काटना नहीं है आप लोग को, स्लिप करना है। अभी आपका वीडियो लमसम तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब आप लोग को यहाँ पे इमोजी वगैरह भी डालना है, तो आप लोग इमोजी वगैरह डाउनलोड करके, जैसे कि यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, इमेज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी इमोजी यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अदर से अपने हिसाब से भी इमोजी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी इमोजी है, जैसे ये इमोजी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया। लेने के बाद आप लोग को क्या करना, इसको छोटा करके और इस तरह से यहाँ पे कर देना है, देख देख यहाँ से इस तरह से कर देना है, करने के बाद इसका भी लेंथ जो है इस तरह से बढ़ा लेना है आपको, इस लोग को फटाफट इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देना है, यहाँ पे और मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ देखिए इतना थोड़ा सा एक बार ही और बचा है। अब ये दोस्तों आपका वीडियो लमसम तो 90% रेडी हो चुका है, लेकिन दोस्तों अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि रील्स कंटेंट से आप लोग को कैसे बचना है। देखिए दोस्तों वॉइस जो किए हैं ना वो AI के थ्रू किए हैं, अगर आप लोग AI के थ्रू करते हैं तो आपके चैनल पे या तो आपके वीडियो में रील्स कंटेंट आ सकता है, क्योंकि वो चैनल स्टार्ट में किए तो स्टार्टिंग से वो कर रहे हैं, आप लोग उनको देखकर अगर करते हैं, आप लोग भी वॉइस ओवर कर देते हैं, तो दो चीज होता है, ये तो आपके कंटेंट पे रील्स कंटेंट आएगा और दूसरा आपका जो वीडियो कोई भी कॉपी भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी आप मेहनत करिए, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें और बाद में आपको दिक्कत हो, तो कभी भी मेहनत करिए, तो ऐसा करिए कि आपका उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स हो और आप मेहनत करें तो उसका फल आप लोग को मिले। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग को वॉइस ओवर खुद से करना है, उसके बाद आप लोग वॉइस चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खुद से वॉइस करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, आपका चैनल लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और कभी भी कोई भी काम किया जाता है तो भविष्य को सोचकर किया जाता है, ये मेरा ये सोच है, तो आप लोग को वॉइस ओवर खुद से करना है। तो एक दो बारी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वॉइस ओवर करना, बिल्कुल आसान है, अभी एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्या करना, जो अभी लेयर आप लोग ऐड किए हैं कोई भी यहां पे, तो लेयर छोड़ दीजिए, यहां पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, टैग्स पे क्लिक करिए और अपने चैनल का एक लोगो दे देना, जैसे एक सोनू पासवान में लिख देता हूं, यहां पे इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे सोनू पासवान मैंने लिख दिया। लिखने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, इस तरह से कर देता हूं यहां पे, और थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं। करने के बाद यहाँ पे अल्फा पे आना है, अल्फा पे आने का इसको ओपिसिटी थोड़ा कम कर देना और थोड़ा सा नीचे ला देना है, इस तरह किसी के आंखों में चुभे ना, और इसका भी लेंथ आप लोग को इसी तरह से आप लोग को बढ़ा देना है, इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे बढ़ा देना है, जैसे कि मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ फटाफट, यहाँ पे बढ़ जा 34, दो बार अभी और करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है और इसको पकड़ना, इस तरह से बढ़ा देना है। अब देखिए यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ चुका है। अब दोस्तों वॉइस ओवर करके मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे REC का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को REC पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं जिस तरीके से आप लोग को बताता हूँ शायद कोई यूट्यूबर इतना अच्छी तरीके से आप लोग को समझाता होगा, अगर समझाता होगा तो भाई बढ़िया है, लेकिन मैं आप लोग को सोचता हूँ कि जल्दी से समझाऊँ लेकिन आसान तरीके से और एकदम बिल्कुल मतलब ईजी तरीके से समझाऊँ। अब यहाँ पे मैं आप लोग को वॉइस ओवर करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए,
दोस्तों एक आदमी पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां तोड़ रहा होता है, तभी नीचे से एक माँ अपने बेटे को लेकर जाती है और पीछे से एक ढोंगी बाबा आता है, उसको भाई बेहोश होने की दवा सुंघा देता है। सुंघाने के बाद वो मोबाइल निकालता है और अपने दोस्तों के पास कॉल करता है और बोलता है कि भाई यहाँ पे मैंने एक लड़की और एक बच्चे को यहाँ पे छुपाया है, आप लोग आइए जल्दी से। तभी लड़का सोचता है कि भाई इनको बचाना पड़ेगा और वो उपाय लगाने लगता है और भाई सोचता है कि मैं पुलिस को जाकर बताऊं, और वो लड़का धीरे से पेड़ से उतर जाता है। उतरने के बाद वो दौड़ता हुआ जाता है, तभी वो अचानक भाई जाता है यह रास्ते में एक पुलिस वाले को देख जाता है और उससे वो सारी बातें लगता है बताने। तभी दोनों दौड़ते हुए जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद भाई बच्चा और माँ तो मिलते हैं लेकिन वो चोर गायब हो जाता है। इस तरीके से आप लोग को वॉइस ओवर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं स्टॉप इसलिए किया हूँ क्योंकि आप लोग लगातार नहीं बोल पाएंगे, तो आप लोग को दो बारी तीन बारी में भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को आगे भी बता देता हूँ, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ इतना, और यहाँ पे आरईसी फिर दोबारा क्लिक करता हूँ, आप लोग देखते रहिए। अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे वॉइस ओवर करके दिखाता हूँ। वो चोर बच जाता है और वो चोर भाई छिपकर देखता है, उस चोर को पहले से ही आहट लग जाता है कि भाई उसको किसी ने देख लिया है, इसीलिए वो दिमाग लगाता है और वो पहले से ही छिप जाता है और भाई चोर बच जाता है। नहीं तो आज चोर की भाई इसी तरह से आप लोग मतलब वॉइस ओवर यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद इतना आप लोग वॉइस ओवर किए हैं तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इस वॉइस ओवर वाले क्लिक करना, मिक्सर पे जाना, 100 होगा इसको 200 करके इसको ऑन कर देना, उसके बाद बैक आना है, फिर दोबारा नीचे जाना है कैची पे और ट्रिम लेफ्ट कर देना है। एक बार आप लोग प्ले करके देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो वाले क्लिक करना और कैची पे जाना और ट्रिम लेफ्ट कर देना है, और इसको क्या करना है इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद आप लोग को क्या करना है, वॉइस ओवर पे क्लिक करना और यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये भी वॉइस ओवर मैं प्ले करके आप लोग को सुना देता, देखिए। अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ बोलना, यहीं पे क्लिक करना है, फिर दोबारा मिक्सर पे जाना है, 100 होगा 200 करके इसका भी साउंड इंक्रीज करके इसको ऑन करना और बैक आना है, फिर दोबारा आप लोग को कैची क्लिक करना और ट्रिम लेफ्ट कर देना है। इतना करने वाला आप लोग को क्या करना है, इस पर क्लिक करना और इसको इस तरह से मिला देना है, यहाँ पे मिला देना है। अब मैं यहाँ पे वीडियो में प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए। यहाँ पे जाने के बाद भाई बच्चा और माँ तो मिलते हैं लेकिन वो चोर गायब हो जाता है, वो चोर। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी आइडियो यूज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, तो आप लोग को आइडियो क्लिक करना और एक बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे ऐड करके कोई भी मैं दिखा देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। करने वाला आप लोग को क्या करना है, मिक्सर पे जाना और 100 होगा इसको यहाँ पे 25, 20 या 30 अपने वीडियो के अनुसार कर लीजिएगा, आपका वॉइस से डाउन रहे आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसको ऑन कर दीजिए, बैक आना। अभी आपका वीडियो क्रिएट हो चुका है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप लोग को 2 से 5 मिनट ही लगेगा क्रिएट करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप लोग को सेव करना है तो इसके लिए आप लोग को एरो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को एरो वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करना जो इसका रेजुलेशन 1080 पर रखिएगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा हाई क्वालिटी का मत करिएगा। और उसके बाद आप लोग को फ्रेम रेट यहाँ पे रखना है 60 पे, मतलब 60 पे, और आप लोग को ब्राइटनेस 11 या 12 के अंदर रख लेना है, जो कि मैं 11.34 MPS पे मैंने रखा है। उसके सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना, ये आपका वीडियो सेव होने लगा है, अब आपके गैलरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को इस तरह के कंटेंट पे काम करना है ताकि आपके चैनल पे कभी जिंदगी में कोई भी डिस्टर्ब ना हो, आपका चैनल इजी तरीके से मोनेटाइज हो और आप अच्छा खासा पैसा अर्न करें लॉन्ग टाइम तक। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाले पे प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टाटा, बाय बाय।